आयुर्वेदिक डॉक्टर पर। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त वैद्य एमकेएस। दोस्तों आप सभी को जैसा कि पता है कि बीएमएस फर्स्ट राउंड जो राजस्थान के आयुष काउंसलिंग है उसका रिजल्ट आ चुका है, और यानी कि कल तारीख है 21 और 22 को रिपोर्टिंग है। तो आपके पास एक दिन का समय है, उसमें क्या क्या आपको तैयारी करनी है, ठीक है, कितने रुपये की आपको डिमांड ड्राफ्ट यानी DD लेके जानी है कॉलेज में रिपोर्टिंग कराते समय, रिपोर्टिंग कहाँ पर करानी है, क्या मैं डायरेक्ट कॉलेज में जा सकता हूँ जो कॉलेज मुझे मिली हुई है, या मुझे जोधपुर ही जाना पड़ेगा, वो सारे जो क्वेश्चन आपके जो कमेंट बॉक्स में आ रहे हैं, मैं सारे कमेंट में रीड कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं उनके सारे के वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा और सारों का जवाब देने की कोशिश करूँगा। बहुत से बच्चे मुझे बार बार कॉल कर रहे हैं, तो मैंने फ्लाइट मोड पर अभी फ़ोन को डाला हुआ है। अब मैं सभी बच्चों से मैं बात नहीं कर पाता क्योंकि मैंने पेड काउंसलिंग स्टार्ट की हुई है। जो बच्चे उन्होंने मुझे से काउंसलिंग ले रखी है, पेड काउंसलिंग ले रखी है, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। तो जो भी आपकी क्योरी है मैं रीड तो कर ही रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में कीजिए, मैं वीडियो बना रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी प्रॉब्लम सॉल्यूशन दे रहा हूँ। लेकिन फिर भी बच्चे, बहुत से बच्चे बार बार कॉल कर रहे हैं। एक बच्चा तो ऐसा हुआ कि 10 कॉल कर दिया उसने कंटिन्यूसली, ठीक है, मैं बिजी था किसी भी काम में। तो आप समझो कि आपकी जो भी क्यूरी है मैं आपका रिप्लाई दूंगा, यूट्यूब पे कमेंट कीजिए, मैं सारे वीडियो बनाऊंगा। लेकिन फिर भी मुझसे बात करनी है तो उसकी फीस है 5,000 रुपये बात करने से पहले, और जब एडमिशन हो जाए उसके बाद में 5,000, टोटल 10,000 रुपये आपको पे करने होंगे। दैट्स क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तो आज के वीडियो का अपना टॉपिक है जो आयुर्वेदा कॉलेज है उसकी फीस कितनी है, कि हमने जो 25,000 रुपये फीस जमा कराई है, वहाँ सिक्योरिटी मनी जमा कराई थी चॉइस फिलिंग करते समय, उनका क्या होगा, क्या वो कट के जमा होंगे, वो उनका क्या होगा, और हमको कितने रुपए की फीस जमा करानी है। तो यहाँ पर देखिए कि भाई जिसको जोधपुर, ध्यान से देखना, एक एक चीज़ समझेंगे अपन। पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जोधपुर वाली जिसको कॉलेज मिली है वहाँ की फीस है 90,000 रुपये, लेकिन आपको DD लेके जानी है कितने की, 65,000 रुपये की DD लेके जानी है, क्योंकि आपने 25,000 रुपये सिक्योरिटी मनी के तौर पे जमा करा दिए। 65,000 प्लस 25,000 कितने होते हैं, 90,000 रुपये। तो आपको 65,000 की, ध्यान से सुनना, 65,000 की डिमांड ड्राफ्ट किस नाम से, चेयरमैन आयुष UG एडमिशन काउंसलिंग बोर्ड जोधपुर, इस नाम से। बहुत से बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं, कैश लेके चले जाते हैं या फिर ऑनलाइन करने की सोचते हैं, नहीं, ध्यान रखना आपको डिमांड ड्राफ्ट लेके जाना है। डिमांड ड्राफ्ट कैसे बनता है कि आपके नज़दीकी बैंक में जाइए सुबह, यानी कि कल 21 तारीख को नज़दीकी बैंक में जाइए, वहाँ पे बोलना कि मुझे DD बनवानी है। तो आप वहाँ पे कितने अमाउंट की DD बनवानी है, किस नाम से बनवानी है, वो पूछेंगे कि भाई उनको बोलना कि 65,000 की डिमांड ड्राफ्ट बनवानी है, किस नाम से बनानी है, चेयरमैन आयुष UG एडमिशन काउंसलिंग बोर्ड जोधपुर। यह 65,000 किसको बनवानी है, ओनली जोधपुर वाले स्टूडेंटों को जिनको जोधपुर कॉलेज अलॉट हुई है। आगे बढ़ते हैं। अब जितनी भी उदयपुर, जयपुर, कोटा, बीकानेर, भरतपुर, सीकर, ये जितनी भी कॉलेज हैं, मतलब जितनी भी गवर्नमेंट, उदयपुर, जयपुर, कोटा, बीकानेर, भरतपुर, सीकर और अजमेर, ये कॉलेज जिनको भी मिली है उनको कितने रुपए की बनानी है, 8,023 रुपए की बनानी है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि भाई हमने तो 25,000 दे रखे हैं, हम तो क्यों लेके आए, क्योंकि 8,000 तो कम है, 25,000 तो ज़्यादा होते हैं। तो आपके जो 25,000 रुपये ना आपके अकाउंट में रिफंड हो जाएंगे, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन बच्चों को जिनको उदयपुर, जयपुर, कोटा, बीकानेर, भरतपुर, सीकर, अजमेर मिली है, उनके 25,000 उनके अकाउंट में आ जाएंगे, लेकिन आपको डिमांड ड्राफ्ट 8,023 रुपये की किस नाम से लेके आनी है, चेयरमैन आयुष UG एडमिशन काउंसलिंग बोर्ड जोधपुर के नाम से लेके आनी है। अब देखो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। जिनको सरदार सर झुंझुनू, जयपुर रेनवाल, जयपुर चोमू, जयपुर और कलाश्रम उदयपुर, और हनुमानगढ़ टाटिया, मतलब नहीं, पंजाब आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज श्रीगंगानगर, ये मिली है, और यहाँ पे है अकलेरा जवाल, इनको 2,00,000 रुपये की फीस होती है और 1,75,000 रुपये की DD लेके आनी है। 1,75,000 किस नाम से, चेयरमैन आयुष UG का एडमिशन काउंसलिंग बोर्ड जोधपुर के नाम से। और जिसको श्रीगंगानगर कॉलेज ऑफ आयुर्वेद, हनुमानगढ़ टाटिया यूनिवर्सिटी मिली है, उसको 2,45,000 रुपये की फीस है वहाँ पे टोटल, और 2,20,000 रुपये की आपको डिमांड ड्राफ्ट लेके आनी है। 2,20,000 किस नाम से, चेयरमैन आयुष UG काउंसलिंग बोर्ड जोधपुर के नाम से। अब बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने प्राइवेट कॉलेज NRI कोटे से लिए, उनके भी अपन क्लियरली करते हैं कि जो NRI से कोटे से लिए उसको 2,86,000 रुपये की डिमांड ड्राफ्ट लेके आनी है, किस नाम से लेके आनी है, साफ साफ लिखा है चेयरमैन आयुष UG एडमिशन काउंसलिंग बोर्ड जोधपुर के नाम से लेके आने। साथ में 3 चेक लेके आने पोस्ट डिटेल, मतलब बाद की डेट के, 1 साल बाद के, 2 साल बाद के, 3 साल बाद के, क्योंकि 3 साल की जमा होगी ना, 3 साल बाद तक के चेक भी ये अभी ले रहे हैं। 3,11,000 रुपये के तीनों चेक चाहिए, 3,11,000, 3,11,000, 3,11,000, ठीक है, किस नाम से,
अलॉटेड फेवर ऑफ अलॉटेड इंस्टीट्यूट। अब इसको नाम लिखने की जरूरत नहीं है, वो आपको बता देंगे बाद में कि भाई वहाँ पे कि इसके नाम से आपको चेक काटने। क्लियरली अब ये तो हो गई आयुर्वेदा की बात, अपन करते हैं होम्योपैथी की। अब जिसको होम्योपैथी में जोधपुर यूनिवर्सिटी मिली है ठीक है और अजमेर मिली है, उसको 90,000 रुपये की फीस है, आपकी 25,000 रुपये जमा है सिक्योरिटी मनी के तौर पर, तो 65,000 रुपये की डिमांड ड्राफ्ट लेके जानी किसके नाम से, चेयरमैन आयुष्यूजी काउंसलिंग बोर्ड, चेयरमैन आयुष्यूजी एडमिशन काउंसलिंग बोर्ड जोधपुर के नाम से। और जितनी भी प्राइवेट कॉलेज जिनको मिली हैं, जयपुर बीकानेर अलवर जयपुर ठीक है, ये जितनी भी प्राइवेट कॉलेज हैं उनको 1,30,000 रुपये वहाँ की फीस है और 1,05,000 रुपये आपको वहाँ पर डिमांड ड्राफ्ट लेके जानी है। क्लियरली आगे बढ़ते हैं, एक इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे कि जो श्रीगंगानगर टाटा यूनिवर्सिटी उसको 17,000 रुपये की फीस है, वहाँ पे ओनली 45,000 की डीडी लेके जानी है। और यहाँ पे देखो होम्योपैथी यूनिवर्सिटी जयपुर वहाँ पे 1,25,000 फीस है, तो 1,00,000 की यहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट लेके जानी है। तो कॉलेज के नाम से ध्यान रखना, जो कॉलेज आपको अलॉट हुई है वो एक बार चेक कर लेना कितने रुपये की डिमांड ड्राफ्ट लेके जानी है। अब देखो यूनानी की बात करते हैं, टोंक जिसको मिली है उसको 65,000 की डीडी लेके जानी है, और जिसको जयपुर मिली है राजपुताना यूनानी उसको 1,05,000 की डीडी लेके जानी है। टोटल फीस 90,000 थी और यहाँ पे 1,30,000। क्लियरली अब BNYS की बात करते हैं, जिसको जोधपुर यूनिवर्सिटी मिली है वहाँ टोटल फीस 45,000 एक साल की, लेकिन आपको 20,000 रुपये की ओनली डीडी लेके जानी क्योंकि 25,000 आपके जमा है। सॉरी एक मिनट रुको। और जितनी भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं यहाँ पे उदयपुर जयपुर कोटा बीकानेर भरतपुर सीकर और केकरी, उनको 8,023 रुपये की ओनली डीडी लेके जानी है, आपके 25,000 वापस रिफंड हो जाएंगे। और जिनको प्राइवेट कॉलेज मिली है BNYS में उनको 65,000 रुपये की डीडी लेके जानी है क्योंकि उनकी फीस 90,000 रुपये। क्लियरली ओके, ये तो बात हो गई फीस की कि आपको कितने रुपये की डिमांड ड्राफ्ट लेके जानी है। तो इसको आप साइट से डाउनलोड कर लेना, एक एक चीज़ को समझ लेना, कैश नहीं लेके जाना है, ऑनलाइन नहीं लेके जाना है ठीक है। डिमांड ड्राफ्ट कैसे बनता है, बैंक में जाना है, बैंक में से बनवाए, किसी भी अकाउंट से बनवा सकते हो, मम्मी कैसे, पापा कैसे, चाचा कैसे, पड़ोसी से, रिश्ता, किसी भी अकाउंट से बनाओ, लेकिन किस नाम से बनाना है, चेयरमैन आयुष्यूजी एडमिशन काउंसलिंग बोर्ड जोधपुर के नाम से बनाना है। जो कॉलेज मिली है उसके सामने लिखा हुआ कि इतने रुपये की डीडी लेके जानी है, तो आपको पता होगा ठीक है। मैंने पूरा वीडियो आपने सुन लिया होगा। तो पेड काउंसलिंग के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हो, लेकिन पेमेंट करना होगा आपको ठीक है, नहीं तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो YouTube पे कमेंट कीजिए, सारे वीडियो मैं बनाऊंगा। धन टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, सारी चीज़ें मैं आपकी सॉल्यूशन दूंगा, पल पल की खबरें दूंगा मैं आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, क्या क्या लेके जाने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेदा।